तो पूरब से पश्चिम साइड की दिशा बताई गई है और ये दिशा क्यों बताई गई है मैं आज आपको ढंग से क्लियर करता हूँ। आपने बहुत लोगों से सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग राज राधा पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि पोल्ट्री फार्म का हमें बिज़नेस करना है, हमें इसका पूरा सेटअप समझाइए कि हम पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस कैसे और कहाँ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है ताकि आप लोग इस चीज़ को ढंग से समझ सकें कि हम पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस किस जगह पे हम शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस को शुरू करने में हमारी कितनी कॉस्ट आ जाती है, प्लस बच्चे को पालने से लेकर सेलिंग करने तक की हमारी जो भी कॉस्ट आएगी टोटल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम कि पोल्ट्री फार्म कभी भी सिटी वाले शहर के आसपास में नहीं खोला जा सकता या आबादी क्षेत्र के आसपास में नहीं खोला जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इसको चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा बाय सिक्योरिटी आपके बर्ड्स को चाहिए होती है। तो जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका होता है वहाँ पे अगर आप फार्मिंग करते हैं तो वो फार्मिंग कभी भी आपको पैसा कमा के नहीं देगी, आपको टोटल ही नुकसान होगा, क्योंकि कई सारे वायरस हमारे शरीर से या नए आने जाने वाले लोगों की वजह से आपके फार्म पे आएंगे और आपको उससे नुकसान होगा। आपने शायद सुना भी होगा कि फार्म के अंदर कई लोग किसी को विज़िट नहीं होने देते हैं, अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। वो इसका रीज़न सिर्फ यही है ताकि उनके फार्म पे किसी भी तरह का वायरल ना आ सके, वो अपनी बायो सिक्योरिटी को पूरा ढंग से वो फॉलो करते हैं, इसी रीज़न से वो फार्म पे विज़िट नहीं करने देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्म कहाँ सेटअप करना चाहिए, फार्म हमेशा आप अपने खेत में या जंगल के साइड में हमेशा बनाइए जो आबादी क्षेत्रों से दूर रहे। प्लस आप ये चीज़ जरूर देखिए कि आपके फार्म के लिए एक रास्ता ज़रूर हो ताकि आपके फार्म पे बर्ड और फीड उसका आने में आसानी हो, साथ में उसको सेलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने फार्म को एक ऐसी जगह पर बनाइए या उसके लिए रास्ता दीजिए ताकि आपके बर्ड को आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपके फार्म के जहाँ भी आप फार्म बनाएं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो, नहीं हो तो आप कनेक्शन ले लीजिए ताकि आपको गर्मियों में सर्दियों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो ये तो बात हो गई कि आपको फार्म कहाँ पे खोलना चाहिए, अब बात करते हैं आपके फार्म पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो उस चीज़ का एक अनुमान निकालने के लिए हम 1000 बच्चों से शुरुआत करते हैं कि 1000 बच्चे को बनाने में, सॉरी 1000 के बच्चे के फार्म को बनाने में क्या कॉस्ट आपकी आएगी। उसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जितने भी 1000 बच्चों का फार्म बनाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो 1000 बच्चे को फार्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे को कितना स्क्वायर फीट को जगह चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपना शेड रेडी करना है। तो आज के डेट पे देखा जाए तो गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से अगर हम बच्चे का स्क्वायर फीट लें तो 1.4 स्क्वायर फीट सबसे सही है। इसमें आपका बच्चे का जो बॉडी वेट है बहुत अच्छा गेन करता है, FCR आपकी बहुत अच्छी आती है, मेनटेन रहती है। अब ये FCR क्या है ये मैं आपको इससे अगले वीडियो में बताऊंगा, पहले फार्म के बारे में मैं आपको पूरी ढंग से जानकारी दे दूं ताकि आपको किसी भी तरह की कैसी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। तो 1.4 स्क्वायर फीट के हिसाब से यानी कि 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अगर आप इस हिसाब से शेड बनाएंगे तो आपका शेड बहुत अच्छा और बेहतर बनेगा और बच्चे को सही जगह भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं शेड की दिशा क्या होनी चाहिए। तो पूरब से पश्चिम साइड की दिशा बताई गई है और ये दिशा क्यों बताई गई है मैं आज आपको ढंग से क्लियर करता हूँ। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अपना फार्म जब भी बनाओ तो पूरब से पश्चिम बनाएं, वो क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पूरब से पश्चिम बनाने के फार्म पे होता ये है कि ना तो आपके फार्म में सीधी डायरेक्ट हवा आएगी, ना सीधी बारिश आएगी और ना सीधी धूप आएगी। इन तीनों चीज़ से ही हमें अपने बर्ड को बचाना होता है और ये तीनों चीज़ ही आपके फार्म पर डायरेक्ट नहीं आती, जिससे आपका फार्म का जो अंदर का वेंटिलेशन है वो बराबर मेंटेन रहता है। बारिश में सीधा पानी नहीं आएगा तो कितनी भी बारिश क्यों ना हो आपके फार्म पर पानी नहीं भरेगा, आपके फार्म के अंदर पानी एक बूंद नहीं आएगी। हवा चाहे कितनी तेज़ क्यों ना चल रही हो, तूफान क्यों ना आ रहा हो, इस दिशा में आप बनाएंगे तो आपके फार्म पर तूफान का कोई भी असर नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में अगर फार्म बनाते हैं तो उससे फार्म पे वायरस बहुत ज़्यादा आएंगे, वायरल इतने पैदा हो जाएंगे कि आपको पूरे फार्म को निकालना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा।
ये तो बात हो गई कि फार्म को हमें कौन सी दिशा में बनाना चाहिए और उस दिशा में बनाने का हमारा बेनिफिट क्या है। अब बात करते हैं कि फार्म को बनाने में 1000 बच्चे के फार्म को बनाने में क्या कॉस्ट आ जाएगी। तो 1000 के बच्चे को फार्म बनाने में आपके अब की डेट में 1,00,000 रुपये लग जाएंगे, जिसमें आपका पूरा फार्म बन के रेडी हो जाएगा, आपके बर्तन वर्तन सब, पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अंदर का फिट हो जाएगा। जो आप ये मेरा फार्म देख रहे हैं, ये फार्म इसी हिसाब से बनाया गया है और ये फार्म आज की डेट में सबसे कम कॉस्ट का फार्म है, जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से पूरा फार्म रेडी कर सकते हैं। और ये फार्म एक ऐसा फार्म है जिसको आप कभी भी खोल सकते हैं, खोल के कहीं पर भी दोबारा से इनबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा से उसको खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको इश्यू नहीं आएगी। या आप फार्मिंग का काम बंद करना चाहें तो ये सब कुछ खुलकर आराम से प्रॉपर बिक सकता है, जिससे आपका कॉस्ट जो लगा है वो रिकवर हो जाएगा, जिसमें कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब आपका फार्म भी बन गया, सारे काम हो गए, आपके फार्म रेडी भी हो गया। अब आते हैं बच्चे डालने की बात पे। अब बच्चे कहाँ से डालेंगे, बच्चे कौन से बेहतर हैं जिससे आपका रिज़ल्ट अच्छा लगे, अच्छा मिले। तो बच्चे आप जब कभी भी लें तो आप कॉप का बच्चा लें, कॉप 430 लें। ये बच्चा और बच्चों से थोड़ा महंगा पड़ता है, बट इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। बच्चे मार्केट में बहुत सारे हैं, ब्रॉयलर की जो कई सारी वैरायटियां हैं मार्केट के अंदर, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसी वैरायटी के साथ जाएं, कॉप 430 के साथ जाएं, जिससे आपका रिज़ल्ट अच्छा मिले। कॉप 430 ही क्यों, क्योंकि ये बच्चा के अंदर जो यूनिटी होती है वो बाकी बच्चों से काफ़ी स्ट्रांग होती है। बच्चा देखने में और बच्चों से थोड़ा डाउन दिखेगा, पर इसका जो बॉडी वेट होता है ये ठोस होता है बच्चा, तो उसका बॉडी वेट आपको और बच्चों के मुताबिक ज़्यादा ही मिलेगा। और बच्चे आपको फूले हुए ज़्यादा दिखेंगे, देखने लगेंगे जैसे 2.5 किलो के हैं, 3 किलो के हैं, पर उसमें बॉडी वेट 2 किलो ही निकलेगा, तो वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, कि कम स्पेस में आपका ज़्यादा बॉडी वेट आराम से ले लेते हैं। तो अब देखा जाए तो अब इस टाइम पे जो बच्चे आपके हैं वो 35 से 40 रुपए के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आप अपना 1000 बच्चों का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए कितना लगेगा। अगर हम 40 रुपए के हिसाब से भी आपका बच्चा लेते हैं कॉप का 430, तो यानी कि 40,000 रुपए तो आपके बच्चे के इन्वेस्टमेंट के हो गई। और 3 किलो बच्चा फीड खाकर आपका 2 किलो प्लस बॉडी वेट निकलता है, तो 3 किलो फीड आपका यानी कि 60 बैग हो गए। एक बैग आपका 50 किलो का आता है और तीन इसमें फीड आपके चलते हैं। पहला फीड आपका आता है प्री स्टार्टर, फिर आपका आता है स्टार्टर, फिर आपका आता है फिनिशर। प्री स्टार्टर बच्चे को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए होता है, उसके अंदर मल्टी विटामिन्स, मल्टी पावर ज़्यादा होती हैं, तो वो बच्चे को थोड़ी ग्रोथ में प्रमोट करता है। फिर आता है स्टार्टर, उसमें विटामिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, फैट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है फिनिशर, जिसमें टोटली फैट होता है, जो आपके बच्चे का वेट को इंक्रीज करता है, फैट के आपके बच्चे का फैट को बढ़ाता है। तो ये 3 फीड होते हैं, जो कि अगर आप मार्केट रेट से लेते हैं तो अलग अलग रेट पे आएंगे, बट इनका एवरेज निकालते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर, इन तीनों फीड का एवरेज निकालेंगे तो 1950 और 2000 के बीच में आएंगे, यानी कि 1,20,000 1,25,000 के आसपास तो आपका फीड हो गया। और आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिला के अगर आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो 1,50,000 के आसपास में आपका पूरा 1000 बच्चा रेडी हो पाएगा, सेलिंग पे आ पाएगा। इसके बाद जो पैसे बचे वो आपका प्रॉफिट है। तो मंडी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 बच्चा आज के डेट में मंडी के हिसाब से हम देखें तो 2,00,000 से ऊपर का बिक रहा है, यानी कि 1000 बच्चे पे आप 50,000 रुपये का बेनिफिट आराम से निकाल रहे हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये था पूरा आपका पोल्ट्री फार्म स्टार्टअप कॉस्ट, यानी कि पोल्ट्री फार्म को बनाने से लेके सेल करने तक हमारी क्या कॉस्ट लगती है और इसमें क्या मार्जिन हमें मिलता है, क्या बेनिफिट हमें मिलता है। तो कोशिश की है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की। आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अब तक जिसने मेरे भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, नए ब्लॉग पर।